हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर माइक्रोटेक न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में। और इसमें मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा और फटाफट न्यूज़ लाया हूँ टेक से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे चाय की चुस्की के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो निकल कर आती है वो है स्मार्टफोन शिपमेंट से रिलेटेड। और दोस्तों, एज एन इंडियन मैं काफ़ी प्राउड हूँ इस न्यूज़ को आपको बताते हुए कि स्मार्टफोन जो चाइना से शिप होकर आते थे हमारे पास, उसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, स्पेशली क्वार्टर थ्री में 2020 के। और पहले के मुकाबले अब सैमसंग जो कि साउथ कोरियन ब्रांड है, उसका मार्केट शेयर धीरे धीरे काफ़ी ऊपर आ गया है। दोस्तों लाइक और कमेंट करें अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आ रही। तो दोस्तों अगली न्यूज़ निकल कर आती है अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है ई कॉमर्स मार्केट में, वो ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है अपने ब्लॉग के थ्रू कि वो नए 10 वेयर हाउस खोलने वाला है इंडिया में, और जिसकी कैपेसिटी अब लगभग 60 से ऊपर हो जाएगी इन टोटल वेयर हाउसेस की। तो दोस्तों नई कैपेसिटी की बात करूँ तो ये लगभग 100 फुटबॉल ग्राउंड्स के मुकाबले के इनके 60 वेयर हाउसेस हो जाएंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंगस बात है। दोस्तों अगली न्यूज़ भी अमेज़ॉन की तरफ से निकल कर आती है, और आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि प्राइम डे 6 से 7 अगस्त को शुरू हो जाएगा अमेज़ॉन की साइट पर और ऐप पर। और इसमें आप कुछ कमाल के एक्साइटिंग टेक गैजेट्स इंक्लूडिंग मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव एक्सेट्रा एक्सेट्रा परचेज कर सकते हैं काफ़ी अमेजिंग प्राइस पे। दोस्तों आप कमेंट्स में बताएं आप कौन सा स्मार्टफोन इस सेल में या कौन सा गैजेट परचेज करने के लिए एक्साइटेड है। मैं पर्सनली आईफोन 11 को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये हो सकता है कि उड़ती उड़ती खबर है ये 48,000 से कम में आपको देखने को मिल सकता है इस सेल में। अगली न्यूज़ तो दोस्तों निकल कर आती है वो है OnePlus Nord की तरफ से। और OnePlus Nord हम सभी जानते हैं पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हाइप रहने वाला स्मार्टफोन रहा है, बट अभी रिसेंटली रिलीज़ होने के बाद उसका हाइप थोड़ा सा डाउन ज़रूर हुआ है। तो इसी कड़ी में मैं दोस्तों आगे बताना चाहता हूँ आपको कि OnePlus ने अभी आम जनता के पास तो फ़ोन नहीं आया है, बट जिन भी रिव्यूअर्स के पास ये फ़ोन है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुकी है इस फ़ोन में, जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के साथ आती है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लेटेस्ट ट्वीक्स भी दिए हैं कैमरा के रिगार्डिंग इस फ़ोन में इस नए अपडेट के थ्रू। तो देखना होगा दोस्तों जब हमारे हाथ में आता है ये फ़ोन तो कैसा देखने को मिलता है इसका कैमरा और बाकी चीज़ें भी इन टोटल। अगली न्यूज़ निकल कर आती है वो भी OnePlus की तरफ से। अगर आप एक्साइटेड हैं OnePlus Nord के प्रति और आप परचेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, तो दोस्तों OnePlus ने आपकी उस खुशी में और ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं। और अपनी लेटेस्ट न्यूज़ में ये पता लगा है कि OnePlus एक इवेंट होस्ट कर रहा है 27 और 28 को और 29 और 30 जुलाई को। इन चार डेट्स में आपको पहले से ही OnePlus Nord मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, OnePlus की साइट पे जाके रजिस्टर करना होगा और साथ ही साथ पोस्ट करना होगा उस पिक्चर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसके थ्रू आपको इनवाइट आएगा OnePlus का और आप ये फ़ोन इन चार डेट्स पे परचेज कर सकते हैं अगर आपको इनवाइट आता है। तो बताइएगा दोस्तों कि आपको रजिस्टर करने के बाद इनवाइट आया या आप इंटरेस्टेड हैं ही नहीं इस फ़ोन के लिए। तो अगली न्यूज़ जो आती है वो है आईफोन लवर्स के लिए। और दोस्तों ऐसे उड़ते उड़ते लीक्स आ रहे हैं कि आईफोन 12 मैकबुक, नया एप्पल ग्लास और साथ ही साथ एप्पल की वॉच जो है, ये कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं दो डेट्स को। और ये डेट्स निकल कर आ रही हैं सेप्टेम्बर 8 और अक्टूबर 27। इन दोनों डेट्स को इवेंट्स होस्ट किए जा सकते हैं एप्पल के द्वारा ऑफिशियली, एंड आपको ये सारे प्रोडक्ट्स नए एप्पल की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो आप बताइएगा दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हैं नए एप्पल के 12 मॉडल्स के लिए या आप बजट स्मार्टफोन से ही खुश हैं। अगली न्यूज़ जो दोस्तों निकल कर आती है वो है सैमसंग के नोट 20 की तरफ से। ये कंपनी का टॉप एंड फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है इस साल का। और दोस्तों ये लगभग कन्फर्म हो चुका है कि साउथ कोरियन प्राइसिंग के लीक्स के हिसाब से जो सैमसंग का नोट 20 होने जा रहा है वो लगभग 74,000 की प्राइसिंग पे लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो अपर एंड वेरिएंट होगा, जो सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा के नाम से जाना जाएगा, वो लगभग 95,000 के आसपास की कीमत पे लॉन्च किया जा सकता है इंडियन मार्केट में। तो आप बताइएगा अगर आप एक्साइटेड हैं इस फोन के लिए या नहीं। तो दोस्तों आज की अपनी फटाफट माइक्रोटेक न्यूज़ वीडियो में इतना ही। आपको इन सारी न्यूज़ में से जो भी न्यूज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी उसको आइए कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।